छतरपुर जिले के एक गांव में एक परिवार आज भी करता है रावण की पूजा। कहते हैं पूजा पाठ करना आस्था का विषय होता है और व्यक्ति की अपनी अलग अलग आस्था होती है। कोई देवी को अपना आराध्य मानता है तो कोई देवताओं को। लेकिन रावण की पूजा पाठ करते हुए आपने बहुत ही कम लोगों को देखा या सुना होगा। छतरपुर जिले में रहने वाले 80 वर्ष के एक बुजुर्ग रावण के भक्त है और रोज उनकी पूजा पाठ करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने घर में एक मंदिर बनवाया है जिसमें रावण की एक बड़ी और सुंदर सी प्रतिमा लगा रखी है। रावण की यह प्रतिमा मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में है जिसमें 10 सर एवं हाथ में धनुष्वान के अलावा अन्य अस्त्र शस्त्र भी लिए हुए हैं। छतरपुर जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है पहरा, जहां के रहने वाले रामप्रसाद अहिरवार रावण के भक्त है और पिछले 3 सालों से घर में रावण का मंदिर बनाकर पूजा कर रहे हैं। रामप्रसाद एक रिटायर्ड शिक्षक है और रावण की सुबह शाम पूजा कर उन्हें अगरबत्ती लगाते हैं। बुजुर्ग का कहना है उन्हें रावण पसंद है। उन्होंने अभी तक जितना भी रावण के बारे में पढ़ा या समझा है, रावण बुरा नहीं था। इसी वजह से वह रावण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने घर में रावण का मंदिर बनाने और उसकी पूजा करने का निर्णय ले लिया। मंदिर में रावण की प्रतिमा के अलावा रामप्रसाद ने अपनी स्वर्गीय पत्नी भगवान बौद्ध की भी प्रतिमाएं स्थापित की है। रामप्रसाद प्रतिदिन सुबह शाम रावण की पूजा कर उसे अगरबत्ती भी लगाते हैं। रामप्रसाद पेशे से एक सरकारी शिक्षक थे। पिछले 2 सालों में रावण के प्रति उनकी आस्था बढ़ी और उन्होंने रावण की प्रतिमा को अपने मंदिर में स्थापित करा दिया। रावण की पूजा करने को लेकर उनका तर्क है कि वह एक शांति प्रिय राजा था और शुरुआती दिनों में उसे हिंसा पसंद नहीं थी। रावण को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ विद्वान रावण को अच्छा तो कुछ विद्वान रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं। भारत में कई जगहों पर आज भी रावण के मंदिर मौजूद है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं। राज इंडिया 18 के लिए क्षेत्रीय ब्यूरो अशोक सिंह भदौरिया लवकुशनगर। पहले गया करने गए, गया से फिर बुद्ध भगवान की मूर्ति बनवाई है, अम्बेडकर साहब की मूर्ति बनाई। इसके बाद भगवान ने ऐसे हमको ज्ञान दिया कि रावण महाराज की कैसे हमारे पास जो किताबें हैं उनमें रावण महाराज को सही बताया गया कि वो गलत नहीं रहे हैं, दानी रहे हैं, दयालु रहे हैं और उत्तम आचरण वाले रहे हैं। इसलिए हमने भी उनकी स्थापना कर दी है। अच्छा, तो पूजा पाठ आप प्रतिदिन करते हैं रावण भगवान? हाँ, रोज जब उनकी करते हैं, अम्बेडकर भगवान की या बुद्ध भगवान की, तो उनके साथ में रावण महाराज की भी पूजा करते हैं हम। हाँ, उनका उनकी किताब भी है, परम पराक्रमी राज रावण के नाम से किताब भी है, दिखाया आपको हमने, तो उसमें जो है उनकी अच्छाइयाँ वाल्मीकि रामायण से लेकर के छाटी गई हैं। तो खराब तो सब कोई कहते हैं, उनकी अच्छाई कोई नहीं देखता है। रावण अच्छे थे, खराब नहीं थे। केवल उन्होंने जो है सीता को हरण किया, तो इसलिए उनको राम को सबक सिखाने के लिए ही ऐसा उन्होंने किया था कि अगर वो रावण की बहन का नाक ना काटते तो वो रावण का वही सीता को न चुराते। और रावण की जितनी भी रानियाँ हैं वो सब ब्याही हुई चरित्रवान थी। केवल एक उन्होंने जो किया है रावण ने ये सीता का हरण, तो उनको राम को सबक सिखाने के लिए उन्होंने हरण किया है। अब उन्होंने ऐसा अपराध नहीं था, नहीं तो रावण चाहते तो जब राम ने उनकी बहन के नाक कान काट लिए तो वो भी काट लेते। उनकी अच्छाई कोई नहीं देखता है कि कम से कम उन्होंने जो है सीता को सुरक्षित अशोक वाटिका में रखा और वहाँ से ले आए। तो इन्होंने भी राम ने भी मतलब सीता को जो है जंगल को निकाल दिया। और भी लोग दर्शन करने आते हैं गांव के? हाँ हाँ, और इन दर्शन करने वाले यहाँ सुबह शाम पूजा करते हैं, यूँ करते हैं, हम भी करते हैं, और रुको ही आ गया तो करते हैं। हाँ।